The earliest humans lived several million years ago. They were ape-like creatures. They had long hands and arms and short legs. Their brain was very small. Early humans started using their arms to hunt. They used sticks and sharp stones. The mm -hmm. उनकी जो शुरुआत हुई वो कई लाखों साल पहले हुई है वो बंदर जैसे इंसान थे यानी उनकी जो शक्लें थी वो बंदर जैसे थी वो बंदर जैसे दिखने वाले लोग थे उनके हाथ और बाजू लंबे थे और उनकी टांगें जो थी वो बहुत ही छोटी थी यानी उनकी शक्ल सूरत उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी है वो बंदर जैसे थे एप लाइक -like क्रिएचर्स वो बंदर जैसे दिखने वाले थे उनका जो दिमाग था वो भी छोटा था अर्ली ह्यूमन्स क्या करते थे अर्ली ह्यूमन्स मतलब जो इब्तदाई इंसान थे वो अपने बाजुओं का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए और इसके अलावा वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे मतलब पत्थरों और स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए इन द नेक्स्ट स्टेज दे डिस्कवर्ड फायर एंड कूकड़ द फूड दे कोलेक्टेड इन केवज और टेंट्स जो इनका नेक्स्ट स्टेज आया अर्लीमेंस का जो दूसरा स्टेज आया नेक्स्ट स्टेज आया उस स्टेज में उन्होंने आग ईजाद किया उन्होंने आग को डिस्कवर किया और जो खाना वो जो शिकार करते थे मतलब उनका जो खाना होता था अब वो उस खाने को पका के खाने लगे पहले वो कच्चा ही खाते थे वो जंगल में शिकार करते थे जंगलों में ही रहते थे शिकार करते थे और उसे कच्चा ही खाते थे अब जब आग इजाद हुई आग उन्होंने डिस्कवर किया तो उसके बाद उस खाने को वो पकाने लगे वो केवज और या टेंट्स में रहते थे मतलब गुफाओं में रहते थे जंगलों में ऐसे ही भटकते रहते थे उनके पास घर वगैरह नहीं था अब आग डिस्कवर कैसे हुई ये फैटोपीडिया में यहां दिया गया है अर्ली डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर बाय एक्सीडेंट वाइल चिपिंग रॉक्स टू मेक टूल्स टू स्टोन एक्सीडेंटली रबड़ अगेंस्ट टू ईच अदर दिस क्रिएटेड ए स्पार्क द स्पार्क पर फेल ऑन ड्राई ग्रास कॉट फायर द अर्ली पीपल डिस्कवर्ड फायर उन्होंने जब आग डिस्कवर किया वो आ, उन्होंने मतलब आ, खुद से नहीं किया बल्कि बाय एक्सीडेंट हो गया तो कैसे हो गया कि जब वो टूल्स बनाते टूल्स बना रहे थे रॉकस से वो टूल्स बना रहे थे तो एक्सीडेंटली दो स्टोन दो पत्थर आपस में रब हो गए आपस में रगड़ गए जिससे एक स्पार्क क्रिएट हुई यानि एक चिंगारी क्रिएट हुई और इस ये चिंगारी जो थी वो खुशक घास पर गिर पड़ी जिसने आ, 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 फायर पकड़ लिया फायर मतलब फायर काट किया उसे आ, आग लग गई उस पे और इस तरह से फायर डिस्कवर हुई तो इसके बाद क्या है इसके बाद है इन्वेंशन ऑफ द व्हील व्हील का इन्वेंशन कैसे हो गया द डिस्कवरी ऑफ द व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन This the way early humans carried their loads. जो व्हील का इन्वेंशन था जो व्हील का ईजाद था इन्होंने जब व्हील ईजाद किया इससे इनकी जो जिंदगी थी वो थोड़ी बहुत आसान हो गई इस इन्होंने व्हील के इस्तेमाल से क्या किया उनके जो लोड्स थे उन्होंने कैरी करने लगे उसी पे फिर कैसे हो गया ये दे डिस्कवर्ड दैट अ पैक ऑफ डॉग्स कुड पुल ए फेयरली हैवी लोड दे मेड अ फ्रेम ऑफ सिटिकस प्लेस्ड लोड्स ऑन इट एंड मेड डॉग्स पुल इट दिस व्हीकल वाज कॉल्ड ए स्लेज सबसे पहले इन्होंने क्या किया इन्होंने ये डिस्कवर किया कि हम जो भी इनका लोड होता था इनका सामान होता था उसे पुल करने के लिए उन्होंने डॉग्स का इस्तेमाल शुरू किया यानी इन्होंने कुत्तों का इस्तेमाल किया कि उनका लोड वो खींच सके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके तो इसके लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने एक इन्होंने स्टिक से एक फ्रेम बनाया मतलब इस तरह का इन्होंने एक चीज बनाई है और फिर क्या किया फिर आगे डॉग्स को रखा इसको पुल करने के लिए इसको खींचने के लिए और इसको वो स्लेज कहती थी मतलब ये जो गाड़ी थी जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया डॉग्स को पुल करने के लिए इस गाड़ी को स्लेज कहते थे बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल स्लेज ऑन ऑन इवन सरफेस

खींचना इजी नहीं था जब वो जंगलों में रहते थे तो उन्होंने क्या देखा इन्होंने देखा एक दरख्त का ट्रंक नीचे आ रहा था पहाड़ से नीचे गिर रहा था इससे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम आ, अगर हम कोई गोल सा गोल सी कोई राउंड वाली चीज इस स्लेज के नीचे लगाए तो ये इजी हो जाएगा इसको खींचने इसको खींचने से ज्यादा इजी हो जाएगा अगर हम इससे इसके नीचे कुछ गोल सा चीज लगाएंगे जैसे लॉग ऑफ वुड लकड़ी का कोई टुकड़ा अगर हम गोल गोल लकड़ी का एक लॉग इसके नीचे लगाएंगे तो ये आसान बन जाएगा उसके बाद उन्होंने क्या किया लेटर अर्ली फुमेन्स शेप द लॉग बाय कटिंग इट एंड मेड स्मॉल अंडर द स्लज विच कूड नाव मोर इजीली इन दिस वे एवील कार्ट वॉज मेड अब इन्होंने क्या किया जब इन्होने देखा की जो दरख्त का ट्रंक नीचे आ रहा है इन्होने अब इसी लकड़ी को कट किया उसको शक्ल दी एक सर्कुलर डिस्क मतलब एक राउंड शेप दी उसको डिस्क वाली शेप दी और इस राउंड शेप डिस्क को इन्होंने स्लेज के नीचे लगा दिया एज ए व्हील तो इस तरह से इन्होंने व्हील बनाया और अब ये इनके लिए इजी हो गया था इस स्लेज को इधर से उधर मूव करने के लिए इनके लिए इजी हो गया अब इस स्लेज को खींचना भी इजी हो गया था क्योंकि इसके नीचे व्हील लगे हुए थे तो इस तरह से बन गया मतलब जो पहिय वाला पहिए वाली गाड़ी सबसे पहले वाली गाड़ी थी तो इस तरह से पहिए वाली गाड़ी बन गई व्हील्स वायर देन नॉट ओनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बट फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील आल्सो हेल्पड इन द इन्वेंशन ऑफ मनी मशीन अब ये जो व्हील्स थे ये सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के लिए uh, नहीं बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी और कामों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे तो अब जो व्हील्स का इस्तेमाल हुआ व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो इस इन्वेंशन से बहुत सारी मशीनों का भी बहुत सारी मशीनें इन्वेंट करने में भी हेल्प हुई व्हील्स के इन्वेंशन से तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने व्हील व्हील का इन्वेंशन किया तो व्हील के इन्वेंशन से व्हील के इन्वेंशन से ही बहुत सारी मशीन से, बहुत सारी गाड़ियों को बनाने का आइडिया इनके जहन में आ गया तो इस तरह से आगे चलते चलते फिर गाड़ियों का सिलसिला आ गया मतलब व्हीलर कार्स का सिलसिला आ गया और उनकी लाइफ जो थी वो इजी बनती गई तो ये थोड़ा बहुत था अर्ली ह्यूमन्स के बारे में इसी चैप्टर के साथ आपका जो सिलेबस है सोशल स्टडीज का वो यहाँ कम्प्लीट हो जाता है सिलेबस ऑफ एस बुक तो अगर किसी को कोई भी चैप्टर या कोई भी वीडियो मिस हुआ हो किसी भी बुक का तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि जो मिसिंग वीडियोस है वो आपको आसानी से वहां मिल सके और आप उनको देख सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मिसिंग वीडियोस है वो भी देख लीजिए इजीली अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज